नमस्कार आज की न्यूज में इस समय की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कप्तान रोहित शर्मा ने टी ट्वेंटी क्रिकेट को का अलविदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ये बड़ा खुलासा दरअसल बड़ी खबर है कि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022 की हार के बाद से ही भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की टी ट्वेंटी कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट के बाद से ही भारत के लिए एक भी टी ट्वेंटी मैच नहीं खेला है कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि रोहित शर्मा को अब टी ट्वेंटी टीम में जगह नहीं मिलेगी इन सबके बीच उन्होंने श्रीलंका के, श्री के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने टी करियर पर बड़ा बयान दिया है भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैचों को छोड़ने की कोई योजना नहीं है रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पहली बात यह है कि लगातार मैच खेलना संभव नहीं है आपको उन्हें पर्याप्त आराम देने की जरूरत है मेरे साथ भी यही स्थिति है न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें तीन टी ट्वेंटी मैच खेलने हैं इस मामले में आईपीएल के बाद कुछ सोचूंगा मैंने टी ट्वेंटी फॉर्मेट को छोड़ने का फैसला नहीं किया है